जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों आज का जो वीडियो है जो है TWI ब्रो की ओर से वीडियो है और वीडियो का जो टाइटल है वॉर क्यों जली ना, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट, क्वी ब्रो ऑफिशियल। चलिए वीडियो को पूरा देखते, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि पूरा रोस्टेड वीडियो है और आपको भी मजा आ जाएगा पाकिस्तान को रोस्ट करने का। मेरे को तो बहुत मजा आता है, आपको कितना आता है वो आपकी कमेंट से हमें पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर एज अ पाकिस्तानी क्या हम इंडिया के चांद मिशन को कामयाब होने दें या नहीं? नहीं, कामयाब तो नहीं होने देने चाहिए। अच्छा, क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनके रॉकेट को नाकाम करना चाहिए? काम तो करना चाहिए। ठीक है, क्या हम उनके रॉकेट को नाकाम कर दें या कामयाब होने कर, नाकाम कर, करना चाहिए तो करना। पहले हम अपने पेट को देखेंगे, मिशन मून को देखेंगे। मिशन मून के लिए पैसा चाहिए। हम शुद्ध गरीब है, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और उसकी नाकामी के लिए भर भर के दुआ मांगी और किस कदर बावले हो गए थे कि चंद्रयान रॉकेट को नाकाम करने के लिए कहते फिर रहे थे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई पोर्की वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, काम चला रहे थे, लेकिन उधर तक चंद्रयान 2 से ही पोर्कियों की बद्दुआ सुनता आया इसरो। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट को इस बार ऐसा बनाया कि पोर्कियों की बद्दुआ सुनकर रॉकेट खुद बोल उठा। मैं तो वो नींबू मिर्ची हो गया जो किसी के दरवाजे से जुड़ जाए तो उसको नजर दूंगा। मुझे किसी की कभी लगी नहीं सकती। और आखिरकार वो क्षण देखने को मिला जिसका हर हिंदुस्तानी वर्षों से इंतजार कर रहा था। भारत चंद्रमा पर कदम रखने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया और इसी के साथ हिंदुस्तानी। ये तो जश्न मनाने का टाइम है। अब भाई एक तरफ हिंदुस्तान चांद पर जाने का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पोर्की इस बात से ही खुश थे कि उनके झंडे में चांद है। बंदों ने चंद्रयान को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा झंडा ही फहरा डाला। कराची वाले भी किसी से पीछे नहीं, 14 मंजिला इमारत पर 200 फीट लंबा कौमी परचम लहरा दिया गया। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि झंडे के नाम पर कपड़ा सिलने को पोर्कियों का कहना था। नौजवानों का कहना है कि झंडा बनाने में बहुत मेहनत लगी। मतलब पोर्कियों को झंडा बनाने में भी बहुत मेहनत लगी। अब सोचो अगर ये कुछ ढंग का बना लेते तो क्या होता। फवाद चौधरी की हिदायत पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने साइंसी बुनियादी कमरी कैलेंडर तैयार कर लिया। A few moments later, फवाद चौधरी का बनाया गया कमरी कैलेंडर गलत निकला है। ये तो पोर्कियों की हालत है, बंदों ने कैलेंडर जैसी चीज बनाई वो भी गलत, लेकिन फिर भी पोर्कियों की माने तो। हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। ये क्या बात करते हैं यार, भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में। पोर्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जिन पर एक ढेला खर्च ना हो, कभी ये कैलेंडर बनाएंगे तो कभी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। सरकारी दफातर में पीने के पानी का खर्चा बचाने के लिए सरकारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया। और मिनरल वाटर भी ऐसा कि पोर्की अपने साइंटिस्टों पर तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मिनरल वाटर पीने की बारी आई, बोतलें हमने खोल ली हैं और सबसे पहले तो आपको कहेंगे कि आपके डेस्क पे भी हमें बोतल नजर आ रही है। पहले पानी आप पिए ताकि हम देख लें कि ये पानी पिया जा सकता है और फिर हम भी पिए। गजब बेइज्जती। और ये सिर्फ मजाक नहीं था, बंदों ने तब तक पानी नहीं पिया जब तक इस पेटू को पानी पिला नहीं दिया। हम इसलिए आपको पिला रहे हैं कि आप तो अपनी वजारत में बैठे हैं, इन केस अगर हमें कुछ हो गया तो हम तो लाइव शो कर रहे हैं, कोई कट भी नहीं लग सकता। डर गई बहन, डर गई बहन। ठीक है, हम भी पी लेते हैं इसको बिस्मिल्लाह करके। दूसरों को पोर्कियों को जलील करने की जरूरत ही नहीं, बंदे खुद ही काफी हैं एक दूसरे को जलील करने के लिए। और भाई ये पेटू वही बंदा है जो चंद्रयान 2 के दौरान ना सिर्फ हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा था बल्कि 2022 में पाकिस्तानी के चांद पर जाने का दावा भी कर रहा था। फवाद चौधरी ने 2022 में पहले पाकिस्तानी को खला में भेजने का ऐलान कर दिया। अच्छा, मतलब पोर्कियों ने 2022 में चांद पर जाने का ऐसा हल्ला मचाया हुआ था जैसे इस्लामाबाद से कराची जाना हो। बंदे आए दिन मुंह उठाकर इंशाल्लाह 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा। अरे तुम्हारी मारू हगने तो ठीक से जा नहीं सकते हो, अगर स्पेस में जाओगे। अब बोल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है। अब आए ना लाइन पे, तुम सालों बस झंडे में चांद को देखकर ही खुश रहो, चांद पर जाने की तुम्हारी औकात नहीं। और अगर भूले भटके किसी दूसरे देश की मदद से पहुंच भी गए तो चांद का सीन क्या होगा। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और अगर पहले से चांद पर
मौजूद विक्रम लैंडर। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? मतलब भाई इन पौड़ियों का क्या है, बंदों को खुद से तो कभी आगे बढ़ना नहीं होता, और अगर कोई दूसरा देश आगे बढ़ना चाहे तो उस पर भी बकचोदी पेलते फिरते हैं। अब इस पाकिस्तानी नेता को ही देख लो, चंद्रयान 2 के दौरान इस भैंसे का कहना था हिंदुस्तान ने बड़ा शोर होल बरपा किया था कि वो चांद पे जा रहा है, और जिस तरह उसके साइंसदानों को मायूसी हुई है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी। रुका, भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के कुतुब जुनूब तक पहुँचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। कंट्रोल कंट्रोल। और ये हालत सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं की नहीं है, वहाँ की आवाम की भी है। बंदे चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही ऐसी तगड़म बाजी लगाते फिर रहे थे जैसे चंद्रयान चांद पर पहुँचने से पहले ही उसे नाकाम कर देंगे। कोई उसे नाकाम करने के लिए मिसाइल दागने को तैयार था, तो कोई चांद पर जाने को। और जब इन पोर्कियों से पूछा गया क्या आप जाएंगे चांद के मिशन को लॉन्च, नहीं बस हवा निकल गई, आप में जज्बा नहीं है? जज्बा है, कैसे जाए? तो ये तुम्हारा समस्या है। अब एक काम कर, ये वर्ल्ड फेमस अपना कंडोम नुमा रॉकेट ले और इसके ऊपर बैठकर बाय बाय टाटा। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, ऐसी तब्दीली की भैर की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। यार हद है पाकिस्तान की, आपकी तो हद है। मतलब फवाद चौधरी जी ने मतलब ये जो मिनरल वाटर बना है, एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट है कि आपका जो वाटर बना हुआ है, यानी वो जो वाटर मिनरल वाटर पे ही हंसी आ रही है कि वो जो न्यूज एंकर थे वो बोल रहे हैं और मुंह पे बोल रहे हैं कि पता नहीं हम तो लाइव कर रहे हैं और आपका पानी पीने से कुछ हो गया। और ट्वी ब्रो ऑफिशियल, आपने जो वीडियो का जो रोस्टिंग बनाया वो बढ़िया था और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और दूसरी बात है 2022 में वो मून पे जाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ सुना भी नहीं, बना के नहीं बना रॉकेट आपका, पहले तो वो पूछ ले। वो आ गए लाइन पे की अभी तो चांद यहाँ से देख। अब फिर बता पता चलेगा भाई, इसमें तो बहुत खर्चा लगेगा, भीख मांगने जानी पड़ेगी, कोई भीख नहीं देगा और हमने तो ऐलान कर दिया, तो अब उसका कवर कैसे करें, तो वो बताया होगा। और वीडियो देखिए, हमें तो बहुत ही मजा आया। पोर्कियो के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।